मैंने की दावत की धूप में मसाऊं, पता ऐसा कर हौसला या इलाही। अच्छा, ये गलियों में जो देगे पकाते हैं ना, अगर ये कुछ भी ना करें, चलो सिर्फ गली में नियाज की और देगे पकाई, ये सड़क पे जो गड़े पड़ जाते हैं, क्या ये कार्य सवाब है? ये लोगों के लिए तकलीफ दे, इसमें कीचड़ बनता है, फिर मच्छर, तो फिर बोलते हैं डेंगू वायरस हो गया, बोलते हैं ना आप लोग। तो ये इसमें गड़े में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे जरासीम पलते हैं। तो ये जगह जगह जो गड़े होते हैं ना, इसमें या तो ये नियाजियों के होते हैं जो नमाजी नहीं होते, जो नमाजी होगा अल्लाह रसूल को जानने वाला होगा, वो कभी गली में सड़कों में गड़े नहीं करेगा। कितने, यानी कि एक बार आपने नियाज तो पका ली, आप तो पका ली और चले गए, अच्छा आग बुझा दी, आपकी बड़ी मेहरबानी, वरना आग भी नहीं बुझाते यार, इसकी चिंगारियां भी उड़ती रहे और किसी को जला जलो दें तो वो अलग बात, फिर ये राख उड़े और लोगों के घरों में जाए वो अलग बात। तो इस तरह मतलब ये कि पड़ोसियों को तकलीफ, गली वालों को तकलीफ, मोहल्ले वालों को तकलीफ। यार मेरे को तो कभी दरिया भी झटकनी होती है ना, तो मैं समझाता हूँ कि देखो यार जाके किसी मैदान में जाके झटको, ये गली में मत झटकना, तुम झटकोगे ना तो ये मोहल्ले वालों के घरों में गर्द पहुंचेगी हमारी दरी की। तो क्यों इनको, मतलब यानी कि हम अपनी वजह से इनके घरों में गर्द पहुंचाएं, तो हमको ये बेचारे पड़ोसी कहाँ बोलेंगे, और मेरे को कौन बोलेगा यार, मेरे साथ तो इतने असले वाले लोग होते हैं, मेरे से वैसे ही डरेंगे, लेकिन मैं दादागिर तो नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। मैंने असलिया लोगों को डराने के लिए नहीं रखा, बल्कि अपनी हिफाजत के लिए, जिसकी मुझे शरीयत ने इजाजत दी, उसके तहत मैं कर रहा हूँ। ये तो लोगों पर थोड़ी, पड़ोसियों को तकलीफ देनी है, तो भले पड़ोसियों को भी नहीं पता कि मैं इस तरह इनकी मतलब लेके बच्चा इस सूरत में कभी, तो ये इसकी हाजत भी नहीं है। मैंने आपकी तरगीब के लिए अर्ज कर दिया कि जैसी अक्ल में है ना, इसी अपने एहतियातें करते रहे, मतलब लोगों को भी इससे तकलीफें ना हो। तो अब यह कि वो जो गड़े जो खोदे आपने वो बनाए, तो अब आप बोलोगे मैं तोबा करता हूँ और आइंदा नहीं करूँगा, तो ये भी शायद नाकाफी हो। समझ में ये आ रहा है कि वो जो गड़े आपने खोद डाले ना, अब ये इसको चंदे के पैसों से नहीं, पल्ले से ही बंद करने पड़ेंगे। आपने खोदे ना, न्याज पकाने का मतलब ये तो नहीं गली गली यार खोद डालो, तो ये गली का जो भी गड़ा है उसको वैसे ही बना दें आप, जैसे कि आप इसमें सीमेंट लगाओगे तो फट जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ डामर बिछाई जाती है गलियों में सड़कों में, तो डामर वाला बनाना पड़ेगा, नहीं कि ऐसा कि बस बन जाए। अच्छा, आपने केबल डलवाया, आपने और किसी मकसद के लिए, आजकल तो हमारे यहाँ ये गलियां सड़कें खोद देते हैं, आप बाहर जरा निकलो यार, दूसरे मुल्कों में मदनी काफिलों में सफर करो, आप कहीं वो एक खूंटी तो गाड़ के दिखाओ यार गली में या सड़क पे, आपको भाव पता चल जाएगा आपको कितने बीसों सौ होते हैं। कोई मजा लेगा कोई खूंटी मतलब गाड़ दे किसी सड़क पे, बिल्कुल नहीं। जो मुल्क तरक्की याफ्ता जिनको कहा जाता है, ये अरब ममालिक में मैंने तो देखे ना, वहाँ माहौल सवाल ही नहीं, कोई खोद ही नहीं सकता वहाँ, बाकायदा परमिशन, हमारे यहाँ भी खोदने की परमिशन होती है। तो फिर जैसा आपने खोदा ना वैसा बनाना भी पड़ेगा, तो अंडरस्टूड है, खुदा हुआ छोड़ देते, एक तो गैर कानूनी खोदते हैं, चलो कानूनी भी खोदते हैं तो खुदा हुआ छोड़ देते, इस पे जो कीचड़ बनता है, जो मच्छर, तो बीमारियां, तो खुद अपने बच्चे भी लपेट में आते होंगे, खुद बेचारे ये भी लपेट में आते होंगे, और इनको ये नहीं पता होगा, होता होगा कि ये मैंने जो गड़ा खुदा हुआ छोड़ा ये, इसकी मुझे सजा मिल रही है। तो इस तरह मतलब ये कि सड़कों पर तसरुफ, गलियों में तसरुफ, या ये जैसे कि शामियाने गाड़ते हैं, इस पर भी बड़े बड़े सुराख करके फिर यूं ही छोड़ देते हैं, गड़े खोद डालते हैं ठा ठा करके, नहीं चलेगा, सब बंद करना पड़ेगा। ये अल्लाह की मखलूक के चलने के रास्ते हैं, इसमें आपको खुद तजर्बा होगा, जिसके नहीं, जो बेचारा जो उम्र जिसने देख ली, गुजर गई उम्र, जवान होता वो अगर गड़े में पाँव पड़ा तो अक्सर उसको तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो बेचारा बूढ़ा होता ना, उसका जब पाँव पड़ता है ना, तो उसको तकलीफ होती है गड़े में, बल्कि जवान का भी अचानक पाँव जब गड़े में पड़ता है वो झटका खा जाता है, लेकिन उसको झटके से कुछ होता नहीं, उसकी हड्डियाँ मजबूत होती है। बूढ़ा जो होता है उसके यार उस सारे जोड़ हिल जाते हैं, बाजू का गिर पड़ता है तो घुटना छिल जाता है, तो कुछ हो जाता है, कभी फ्रैक्चर हो जाते इन घड़ों से। ये तो गवर्नमेंट का अगर ये कानून नहीं है, तो मैं मशवरा दूंगा कि इनको बनाना चाहिए कानून,
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب قانون بنے ہوئے ہوں گے کہ یہ تصرف کوئی بھی نہیں کر سکتا گلیوں میں سڑکوں میں, ورنہ ظاہر ہے کہ یہ تو حقوق عامہ تلف ہونے کی صورتیں ہی, بالکل نہیں کرنی, نہیں کرنا. یہ جیسے ہمارے عمارتیں بناتے ہیں وہ سریے نے بجریاں جو روڈوں پہ ڈال دیتے ہیں, اس کے بھی قانون ہیں, یہ بھی نہیں رکھ سکتے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. بالکل سمیٹ کر اب باہر ملکوں میں نکلو تو وہ پوری عمارت کو جو یہ پلستر ہوئے بناتے ہیں نا, ہم نے دیکھا ہے نا, پوری عمارت کو لباس پہنا دیتے ہیں, لباس باقاعدہ بڑے بڑے وہ ہزاروں لاکھوں روپے کے وہ کپڑے پہناتے ہیں, وہ اس طرح کے مخصوص یعنی کہ ٹاٹ وغیرہ آتے ہیں وہ ان کو پہناتے ہیں, اس ٹاٹ میں چھپ کر یہ کام کرتے ہیں کہ نہ مطلب یعنی روڈ خراب ہو, نہ کسی کی گاڑی میں جا کر چھینٹا پڑے سیمنٹ کا, نہ کسی پڑوسی کے گھر کو تکلیف ہو. مدینہ مدینہ ہے, قانون ایسے, میں سمجھتا ہوں یہ قانون یہاں بھی ہوں گے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہ.